उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और प्रदेश में सभी आवश्यक संसाधनों का विस्तार हुआ है और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। उन्होंने विंध्य क्षेत्र के विकास के संबंध में कहा कि विंध्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, विकास के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। पहली तारीख को मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि भोपाल में भी हैं तो सिद्धिविनायक गणेश जी के मंदिर में आकर दर्शन करें, माथा उनके चरणों पर लगाएं। उसी कड़ी में आज भोपाल में चल रहा हूँ और दर्शन कर रहा हूँ और सभी भगवान से यही प्रार्थना की है चलिए आपके चलिए सारी के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे और जनता जनार्दन ने जो भी हाथी दिया है, नई सरकार बनाई मध्य प्रदेश जाने का जो हमारे सारे अवसर है, चुनौती है और अवसर भी है।